खाऊंगी वो है ये पैनकेक। और पैनकेक्स जो है मैंने उसका मिक्सचर जो है वो बना के रख दिया है। और ये जो है अभी 3 बजे हैं, तो 3:15 बजे जो है मैं सहरी बनाना शुरू करूँगी। इतनी देर में ऑमलेट भी बना लेती हूँ जल्दी जल्दी। और सारी जो रेसिपी है पैनकेक्स की वो मैं नीचे ऐड कर दूँगी। ऑमलेट बनाने का स्टाइल मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर सबसे पहले मैं प्याज को अच्छे से नरम करूँगी, कोई ब्राउन श्राउन नहीं करना, कोई पिंक हो जाए लेकिन ब्राउन नहीं करना, ओनली नरम करना है। तो इसको मैं अच्छे से नरम कर लूँगी और फिर उसके बाद इसके अंदर मिर्चें ऐड कर दूँगी। आपने टमाटर ऐड करने का टमाटर भी इस पॉइंट पे ऐड कर सकते हैं। और हल्का सा जो है आपने से सॉफ्ट करके एक बाउल में निकाल देना। तो मैं इसको जो है सॉफ्ट कर, यहाँ पर जो मैंने हरी मिर्ची भी थोड़ी सी ऐड कर दी थी और इसको जो है मैंने इस तरह देखिए कितना सॉफ्ट हो गया था। मैं इसको बाउल में निकाल लूँगी और उसमें जो है मैं मसाले, अंडे, धनिया, एवरीथिंग डालूँगी। आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर मैं टमाटर नहीं ऐड करूँगी क्योंकि मेरे घर वाले टमाटर निकाल के साइड पर रखने लग रहा है। तो ये जो है मैं अब इसको बाउल में निकालती हूँ। यहाँ पर मैंने कुछ बेसिक मसाले, नमक, मिर्च और सूखा धनिया ऐड किया है। और उसके अलावा ये मेरे पास अंडे हैं, तो यहाँ पर 3 से 4 अंडे खोल के मैं इसके अंदर डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो ऑमलेट का मिक्सचर है वो भी रेडी हो गया। मैंने इसमें धनिया भी ऐड कर दिया था और ये जो है हमारा ऑमलेट का मिक्सचर तैयार हो गया। तो यहाँ पर मैंने ऑमलेट का मिक्सचर तैयार कर लिया और वहाँ पर जो है मैंने पैनकेक का मिक्सचर तैयार कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों मिक्सचर्स को छोड़ दूँगी, ऐसे ढक के रख दूँगी। तो अभी क्योंकि 3 बजे हैं तो मैं अब जो है जल्दी जल्दी से तहज्जुद के 2-4 नफल पढ़ूँगी, थोड़ी सी दुआ करूँगी, थोड़ा सा इबादत करूँगी एंड देन आई विल कम बैक। तो मैं जो हूँ इसको जो है रख दूँगी और देन मैं जो हूँ जाऊँगी और नमाज़ पढ़ूँगी, मतलब तहज्जुद के नफल। सो नाउ आई एम गोना टेक माई मेडिसिन। सो यहाँ पर जो है मैं थायरोक्सिन लेती हूँ। तो मुझे थायरोक्सिन का जनरली कोई मसला नहीं है, बट माई डॉक्टर हैज़ रिकमेंडेड मी टू टेक हाफ ऑफ द टेबलेट बिकॉज बहुत ही माइनर सा हल्का सा जो थायरॉयड है वो मेरा लो हुआ है। तो शी रिकमेंडेड मी टू टेक दिस। तो ये मैं जो है हाफ टेबलेट लूँगी। सो यहाँ पर जो है मैं इतनी सी मैं जो टेबलेट है वो लूँगी एंड इसे पानी के साथ ले लूँगी। सो इट्स 3:15। अब जो है आई एम गोना गो टू द किचन एंड स्टार्ट मेकिंग माई सहरी। सो या लेट्स गो। क्योंकि हमारे घर में जो है वो सहरी का पराठा नहीं खाया जाता, तो 4 लोग हैं और 4 ही पराठे बना रही हूँ मैं। उनके दही भी है और लस्सी भी है, तो सिर्फ 4 पराठे। क्योंकि मर्द हजरात कुछ ज़्यादा खाते हैं लेकिन हमारे घर में इतना ज़्यादा नहीं खाया जाता, तो 4 पराठे बना रही हूँ। बिल्कुल गोल पराठा जो है वो ऑमलेट बन रहा है, ये मेरा पराठा बन रहा है। ये जी पराठे और ये रहा जी ऑमलेट। पहले 2 पराठे और 1 ऑमलेट जो है मैं बना के ले चुकी हूँ, ये दूसरा है। तो नाउ आई एम गोइंग टू हैंड ओवर दीज पराठास टू माय ब्रदर्स। सो आई टेक दिस पैन और इस पैन के अंदर मैं बनाऊंगी पैनकेक्स। बहुत हल्का सा मैंने इसको कोकोनट ऑयल से जो है वो हल्का सा ग्रीस किया है, थोड़ा सा गर्म भी हो गया है। अब जो है मैं इसके अंदर मटेरियल डालूंगी। अच्छा ये जो है ना मुझसे थोड़ा सा सालन गिर गया, डोंट जज मी। इसके अंदर जो है मैं डालूँगी पैनकेक। पैनकेक बन रहा है, सी टमाटर का कलर है, सारी मैं ऐसे तैयार कर लूँगी। सो यहाँ पर जो हमारी पैनकेक्स तैयार हैं और इसके ऊपर मैं पैनकेक सिरप थोड़ा सा ड्रिजल करूँगी। डन, थोड़ा सा मैंने ड्रिजल कर दिया था तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। और यहाँ पर मेरे पास व्हिप क्रीम है, ये ऊपर ऐड करूँगी एंड देयर यू गो, हमारी पैनकेक्स तैयार हैं। और यहाँ पर जो है मैं अपने एस्थेटिक्स स्किल्स दिखाते हुए, एक्चुअल में एस्थेटिक्स का तो बेड़ा ही कर रही हूँ मैं। सो होप यू लाइक माय वीडियो। अगर अच्छी लगी है मेरी छोटी सी सहरी की रूटीन तो ज़रूर फॉलो कीजिएगा मुझे। अल्लाह हाफिज़।